बढ़ते अब आगे, लोहारू दौरे पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि भिवानी जिले के किसानों की बीमा क्लेम की दूसरी किस्त जारी कर दी गई है। पहली किस्त 109 करोड़ रुपए की जारी की गई थी, जबकि दूसरी किस्त 93 करोड़ रुपए की जारी की गई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही तीसरी किस्त भी जारी कर दी जाएगी। वह कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार डीएपी खाद पर हर साल 2 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी पर खर्च कर रही है। डीएपी खाद के एक कट्टे की वास्तविक कीमत 3,851 रुपए है, जबकि किसानों को केवल करीब 1,350 रुपए में मुहैया करवाई जा रही है। हरियाणा में कहावत है कि थोता चना बाजे घना, तो उसी तरह से ये ज्यादा हल्ला गुल्ला कर रहे हैं धरातल पर। हरियाणा में ये पार्टी अभी जन्म भी नहीं लिया, इसने किसी गांव में देहात में मोहल्ले में कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई वोटर नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। मैं समझता हूँ कांग्रेस को किसी जनता को या किसी और चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। जो आज कांग्रेस के नेता हैं वो अपने आप ही ख़त्म कर देंगे। आपने देखा होगा कि कितनी बड़ी पार्टी थी जो मध्य प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में सालों साल सत्ता में रही और अब लुप्त हो गई है। इक्का दुक्का प्रदेश है, दो प्रदेशों में जहाँ इनका शासन है वहाँ भी इस बार हार जाएगी।